अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं असद मलिक और आप देख रहे हैं अली स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच हो गया जिसमें पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 3 रन से शिकस्त दे दी। अब दूसरा T20 मैच 13 फरवरी को खेला जाएगा हफ्ते के दिन, जो कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा, इंडिया टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की जीत के बाद कौन से खिलाड़ियों की छुट्टी होने जा रही है प्लेइंग 11 में और कौन से खिलाड़ियों की वापसी होने जा रही है। सारी तफसील बताऊंगा और मौसम की सूरतहाल भी बताऊंगा और लाइव मैच देखने का तरीका भी बताऊंगा। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, उससे पहले हमारे चैनल अली स्पोर्ट्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप क्रिकेट का कोई भी मैच अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का दूसरा T20 मैच, तीसरा T20 मैच, सारे मैच लाइव देखना चाहते हैं, आगे PSL आ रहा है, सारा PSL अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपके सामने वीडियो में तरीकाकार भी शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस लिंक को ओपन करें, यहां से आपको एप्लीकेशन मिलेगी, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें, फिर आप क्रिकेट के तमाम मैच लाइव देख सकते हैं। यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लाइव एप्लीकेशन का बेहतरीन एप्लीकेशन है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और क्रिकेट के तमाम मैच अपने मोबाइल पर आसानी के साथ लाइव देख सकते हैं, कोई भी मैच मिस नहीं होगा क्रिकेट का। तो दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरे T20 मैच की, जो कि 13 फरवरी को हफ्ते के दिन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। बात की जाए मौसम की तो बारिश के इम्कान कोई नहीं है, मुकम्मल मैच देखने को मिलेगा। और बात की जाए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो ओपनिंग वही करेंगे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम रन आउट हो गए थे लेकिन ओपनिंग अब वही करेंगे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम नंबर 3 पर, हैदर अली नंबर 4 पर। इफ्तिखार अहमद की तकरीबन चांसेस कम नज़र आ रहे हैं और ये भी हो सकता है कि इफ्तिखार अहमद ही खेले, अगर इफ्तिखार अहमद ना खेले तो आसिफ अली खेलेंगे, लेकिन चांसेस यही लग रहे हैं कि इफ्तिखार अहमद ही खेलेंगे नंबर 4 पर। नंबर 5 पर हुसैन तलत, नंबर 6 पर खुशदिल शाह के भी इम्कान नहीं लग रहे, यानी कि उनकी भी बैड परफॉर्मेंस है, तो हो सकता है आसिफ अली को इफ्तिखार अहमद या खुशदिल शाह की जगह लाया जाए मैदान में। बाकी जो खिलाड़ी होंगे उनमें फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, उस्मान कादिर, हारिस रऊफ भी होंगे, हालांकि हारिस रऊफ पहले T20 में काफ़ी महंगे साबित हुए लेकिन फिर भी उनको दूसरा मौका दिया जाएगा। शाहिन शाह अफरीदी को तकरीबन रेस्ट देकर हसन अली को मैदान में उतारा जा सकता है, ये भी खबर आ रही है कि शाहिन शाह अफरीदी को बाहर किया जा सकता है और हसन अली को मैदान में उतारा जा सकता है। इसको टर्न किया था उस्मान कादिर ने, क्योंकि उस्मान कादिर की बेहतरीन स्पिन हुई थी, तो स्पिन में काफ़ी यानी कि चेंजेस लाई जा सकती हैं। जैसा कि मोहम्मद नवाज़ और उस्मान कादिर हैं तो ये कन्फर्म ही खेलेंगे, साथ में फहीम अशरफ हैं, फिर हसन अली को शाहिन शाह अफरीदी की जगह उतारा जा सकता है और फिर हारिस रऊफ हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के यानी कि तब्दीलियाँ होंगी या ये खिलाड़ी खेलेंगे। आसिफ अली के इम्कान भी लग रहे हैं खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद में से किसी एक की जगह, लेकिन ये भी हो सकता है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ टीम मैनेजमेंट जाए। अल्लाह हाफिज। अगर आप मोटिवेशनल और हकीकत पर मबनी सबक आमोज वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब सर्च में जुनेद फयाज लिखें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया।